सरकार को 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देती हैं, या तो मुक्का नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग काबू माने वाले नहीं है। बहुत खपों को पीछे भेजा था फैसले के लिए, वो फैसला आपके सामने आ गया है। तो साथियों, मैं तो खट्टर से यही कहता हूँ, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सोनिया की, जो पेहुआ के अंदर 26 जनवरी को कुकृत्य समाज के सामने हुआ था। धरती वो धरती है जहां मां जयंती की पांडवों ने अपनी विजय के लिए, जीत के लिए पूजा की थी। दूसरी ऐतिहासिक बात है, ये वो धरा है जहां कभी भी किसी शासक ने या अंग्रेजों ने कभी भी यहाँ गुलामी का परचम नहीं लहराया, यहाँ हमेशा सिंहों ने राज किया है। शायद इतिहास का ये तथ्य मुझे किसी ने बताया था, यहाँ पे सिंह लोगों ने राज किया है। आज इस पंचायत का मुद्दा भी जींद में इसीलिए बहन ने, हमारी बेटी दुहन ने रखा है। तीसरी बात, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है सोनिया की, जो पेहुआ के अंदर 26 जनवरी को कुकृत्य समाज के सामने हुआ था। चौथी बात यह है कि ये पुलिस के अंदर हमारे ही बहन भाई हैं, उनको ये शिक्षा दे दो थोड़ी सी कि भाई बेटा, तुम पुलिस में खाकी के कवच के नीचे समाज के ऊपर अत्याचार ना करें। हम हमारी मांग रखते हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो इस मुद्दे को ज्वलंत रखे हुए हैं, जिसकी श्रेयधार मैडम सांगवान हैं, जो पहली भीम अवार्डी महिला खिलाड़ी हैं, जगमती जी, मैं उनका भी आभारी हूँ। बाकी इस यज्ञ के अंदर बहुत सारे संगठन जुड़े हुए हैं, बहुत सारी खाप पंचायतें दिखाएंगे तब मुक्का नहीं दिखाएंगे तब तक ये लोग काबू माने वाले नहीं है। बहुत सारे भाइयों ने ये बात और खाप प्रधानों ने ये बात कह चुके हैं, मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है कहने के लिए। इस गर्मी में आप लोगों ने यहाँ आके अपना यज्ञ में आहुति दी, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हरियाणा की सभी खापे और किसान यूनियन के संगठनों का यहाँ जींद की धरती पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बुजुर्गो, माताएं और बहनों, जो आपने खपों को पीछे भेजा था फैसले के लिए, वो फैसला आपके सामने आ गया है। फैसला सभी ने सर्वसम्मति से किया, सभी खपों ने, और वो क्या किया कि खपे सरकार को 10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देती हैं, या तो इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए 10 अप्रैल तक, इसके बाद अगर बर्खास्त नहीं किया तो खापे एक महाअधिवेशन बुलाएंगी सारे हरियाणा की खापों का। इससे पहले मीटिंग भी होगी। तो साथियों, मैं तो खट्टर से यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, या तो आप ये तानाशाही का रवैया छोड़ दो, और बेटी तो सबकी समान होती है दोस्तों, बेटी किसी की नहीं, बेटी सबकी समान होती है। आज ये शत्रुघ्न खाद की बेटी नहीं है, ये सारे हरियाणा की बेटी है। जय जवान जय किसान।